19 जुलाई गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने बताया कि अरुणा असफ अली अस्पताल के एचडीओ ने अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में कई बार अपने विभाग के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को और चीफ विजिलेंस अधिकारियों को लगभग 10 से भी अधिक बार लिखित में शिकायत की, जिसके सारे सबूत मौजूद हैं। दिल्ली में अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल के एचओडी ने भ्रष्टाचार से संबंधित कई शिकायतें चीफ सेक्रेटरी को, अपने विभाग को कई बार, 10 से ज्यादा शिकायतों की डिटेल तो हम आपको यहां दे सकते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को, सबको उन्होंने शिकायत की इस उम्मीद से कि अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई चीफ सेक्रेटरी महोदय करेंगे, लेकिन हर काम में रोड़ा अटकाने वाले दिल्ली के मुख्य सचिव सरकार के, मुझे समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचारियों के संरक्षण देने के पीछे उनकी क्या मंशा है, भ्रष्टाचारियों के साथ वो क्यों खड़े हुए हैं, उनका अपना क्या इंटरेस्ट है और इसका सच कैसे सामने आएगा। हम राशन में दलाली खत्म करना चाहते हैं, उसकी फाइल रोक देते हैं, कहते हैं राशन की दलाली जारी रहेगी। हम हॉस्पिटल्स के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई करते हैं, उस फैसले को बदल देते हैं, कहते हैं नहीं, हॉस्पिटल्स की लूट जारी रहेगी। हम दिल्ली में ऐसा स्वास्थ्य का सिस्टम देना चाहते हैं जिससे प्राइवेट पैथोलॉजी जांच करने वालों पर जो एकतरफा लूट करने का पूरी छूट है, उनको उस पर रोक लग सके। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाना चाहते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस हम अभिभावकों को वापस कराना चाहते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि एलजी, मुख्य सचिव, ये तमाम जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ये तमाम जो भ्रष्टाचार करने वाली संस्थाएं हैं, इनके साथ दिल्ली का मुख्य सचिव मिला हुआ है। दिल्ली की सरकार के किसी भी विधायक, मंत्री, नेता के खिलाफ कोई भी आदमी सुबह उठे और कोई बेसिक पहचान निराधार आरोप लगा दे, तुरंत सीबीआई जांच हो जाएगी, तुरंत एसीबी एक्शन में आ जाएगी, तुरंत दिल्ली की पुलिस एक्शन में आ जाएगी। यहाँ पे एक विभाग का, अस्पताल के विभाग का विभागाध्यक्ष 10 प्रमाणों के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त चीफ सेक्रेटरी साहब एलजी साहब के दफ्तर के ऊपर सीधे सीधे 10 लाख रुपए की दलाली खाने का गंभीर आरोप लगा रहा है। पूरी फहरिस्त है, कब पूरा घटनाक्रम इसमें लिखा हुआ है, कब कंप्लेन हुई, कंप्लेन होने के बाद कब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कंप्लेन करता को, शिकायत करता को ऑफिशियली विसिल ब्लोवर रिकॉग्नाइज करते हुए उस केस को एक रेफरेंस नंबर अलॉट करके आश्वस्त किया कि हाँ इस पे कार्रवाई कर दी जाएगी, उसको कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया जाता है, रिपोर्ट मंगाई जाती है, लेकिन पैसे खाकर, क्योंकि और कोई वजह हो नहीं सकती है, और कोई वजह है तो सेक्रेटरी साहब आगे बताएं कि वो कौन सी ऐसी वजह है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के बावजूद, निर्देशों के बावजूद आप उस पर कार्रवाई करें, रिपोर्ट ले, डिसिप्लिनरी एक्शन ले, वो न करके आप उनकी फाइलों के ऊपर बैठ जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा था कि एक लंबे संघर्ष के बाद इस देश की जनता को सूचना का अधिकार नामक कानून मिला था, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक की जानकारी सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं से मांग सकता है। देश की जनता को एक लंबे संघर्ष के बाद और एक लंबी लड़ाई के बाद अरविंद केजरीवाल जी के एक सशक्त और मजबूत आंदोलन के बाद
आरटीआई का हथियार मिला था, सूचना का अधिकार, कौन अधिकारी क्या करता है, कौन नेता क्या करता है, फाइलों में क्या लिखा जाता है, फाइलों में क्या गड़बड़ी की जाती है, घोटाला किया जाता है, प्रधानमंत्री से लेकर जिला अधिकारी तक की सारी सूचनाएं आप क्लर्क के बारे में भी जानना हो तो वो आरटीआई कानून के माध्यम से जान सकते हैं। और आरटीआई के जरिए ही आपको याद होगा कि इस देश के अंदर चाहे वो 2G का घोटाला हो, चाहे वो कोयला का घोटाला हो, तमाम हजारों लाखों करोड़ के घोटाले आरटीआई कानून के हथियार से ही बाहर आए। लेकिन जो सरकार दावा करती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, मैं काला धन लाऊंगा विदेशों से, उनके राज में प्रभु राम की कृपा से काला धन दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में, और कहते हैं कि कांग्रेस के समय में काला धन था, प्रभु राम की कृपा से स्विट्जरलैंड के बैंक वाला काला धन जो दोगुना हुआ है वो सफेद हो गया। अब आज एक सशक्त हथियार जो इस देश की जनता को मिला था, एक मजबूत हथियार जो इस देश के आम आदमी को मिला था, सूचना का अधिकार, उस कानून को और उस अधिकार को कूड़ेदान में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार करने जा रही है। उस कानून में बदलाव करके सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ये तय सरकार करेगी। यानी किसी को भी इस बात की तलवार हमेशा लटकती रहेगी, कोई भी सूचना आयुक्त सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकता, उसको साफ तौर पर इस बात का खतरा रहेगा कि अगर कोई भी फैसला मोदी जी के खिलाफ दे दिया, अमित शाह के खिलाफ दे दिया, सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ दे दिया, तो वो तलवार हमारा गर्दन काट सकती है और हमको अपनी जगह से हटा सकती है। गर्दन काटने का अर्थ ये है कि सरकार की गुलामी करने वाले सूचना आयुक्तों का चयन पूरे देश के अंदर किया जाएगा अगर ये कानून बदल गया तो। दिल्ली और NCR की सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए ASG News और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े ASG News नेटवर्क के साथ।